ये कौन रैपर का बोल रहा है? अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट हमने बना लिया था। अभी मैंने क्या कराया है, मास्टर पेजेस बनाने आ गए। क्या फ़ायदा है? इनहेरिटेंस, रीयूजबिलिटी, मेंटेनेंस, ये इसका फ़ायदा है मास्टर पेज बनाने का। अब मास्टर पेज तो हमने बना लिया था, वेब फॉर्म 4 पे देख लिया हमने कैसे यूज़ होता है उसको, कि भाई हेडर फुटर नेविगेशन सेम है हर एक के ऊपर, और कॉन्टेंट वाला पोर्शन हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक है या बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, तो डिज़ाइनिंग सेम है। फ़ायदा क्या है कि भाई लेट्स सपोज आपने कल को नेविगेशन चेंज करनी है, तो आप मास्टर पेज पे जाके करोगे, जितने से पेजेस हैं उन पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। अब आगे काम करना है हमने, आगे काम करना है। ठीक है, HTML CSS पे तो करने से रहे, अब हम एक कोई थीम डाउनलोड कर लेते हैं और उसको एम्बेड कर लेते हैं और उस पर काम कर लेते हैं। प्रोफेशनली भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप खुद से तो लिखने नहीं लिख सकते। एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट। अच्छा, थीम नोकिया हो गया, थीम फॉरेस्ट। आपने थीम फॉरेस्ट डॉट नेट की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस पर नो इशू, ये मैं और तरीका आपको अच्छा इससे बेहतर था। थीम फॉरेस्ट डॉट नेट, ठीक है जी, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके अंदर तकरीबन हज़ारों लाखों थीम पड़े हुए हैं। ठीक है, 200 रुपये से यहाँ पे थीम स्टार्ट हो जाता है, सारे थीम आपके पास। यहाँ नेविगेशन आ रही है ये लेफ्ट साइड पे, आपने नेविगेशन ओपन करो, यहाँ पे आके आपने कहा जी मुझे HTML के थीम्स चाहिए। HTML के अंदर मैं कहता हूँ मुझे पॉपुलर आइटम्स दिखाओ कौन सी चल रही है। ये सारे थीम हैं, आप वन बाय वन सारों को चेक कर सकते हो। ये मीट्रियोनिक है, इसको मैंने क्लिक किया, मीट्रियोनिक ओपन हो गया। मीट्रियोनिक की अब मैं कहता हूँ ये इस तरह की वेबसाइट है, मुझे इसका लाइव रिव्यू दिखाओ। जब मैंने कहा इसका लाइव रिव्यू, तो ये लाइव रिव्यू आपके सामने इसका ओपन कर देगा। ये चेक किए, ये वेबसाइट का लाइव रिव्यू आ गया। अंडरस्टैंड, ये इस तरह की वेबसाइट हमारी बनेगी। एक थीम मुझे याद है जो हम अक्सर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो है जॉली एनी। मैंने यहाँ पे लिखा थीम का नाम, लिखा थीम फॉरेस्ट पे जॉली एनी, ये आ गया जॉली एनी रिस्पॉन्सिव मल्टीपर्पज़ जुमला टेम्पलेट। जुमला तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो ASP.NET कर रहे हैं। हमें स्टैटिक, ना ही हमें वर्डप्रेस का थीम चाहिए, ना ही हमें HTML का चाहिए। हमें किसका चाहिए? मैंने इस पे कहा जी मुझे जॉली एनी का थीम दिखाओ। यहाँ पे आए, मैंने कहा जी मुझे इसका लाइव प्रीव्यू दो, ये आपको इसका लाइव प्रीव्यू देगा। ये आपके सामने ओपन हो गया पेज। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा थीम है। मैं कहता हूँ मैं लॉगिन के पेज देखना चाह रहा हूँ, लॉगिन साइन अप का पेज, तो ये आपके पास इस तरह का लॉगिन साइन अप का पेज बना हुआ है। मैं कहता हूँ मुझे एनिमेटेड काउंटर्स चाहिए, मैं कुछ काउंटिंग चलाना चाह रहा हूँ, या मुझे इस तरह का चाहिए, तो ये काउंटर्स मौजूद हैं। मैं कहता हूँ मुझे बटन्स चाहिए, डिफरेंट बटन, डिफरेंट स्टाइल के बटन्स, क्योंकि ये डेवलपर के लिए ये थीम डेवलप हुआ है। आपने अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स आपको चाहिए, तो ये सारा बूटस्ट्रैप लगी हुई है, जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी लगी हुई है, सारा बूटस्ट्रैप है, सब रिस्पॉन्सिव है। अब मैं इसको करता हूँ छोटा, यहाँ पे नेविगेशन आपने देखी है, मैं अब इसको श्रिंक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये देखो, ये नेविगेशन इस तरह से हो टॉप डाउन। अब ये एंड्रॉयड पे ओपन होगी तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैं आपको ये थीम बना रहा हूँ ना, ये जो मैं वेबसाइट डायनेमिक बनाऊंगा, मैं rosy.pk बनाता हूँ, ये ऑनलाइन शॉपिंग का, कल को इसका एंड्रॉयड ऐप भी बना देंगे। जैसे OLX और फेसबुक का है ना, वैसे ही हम इसका एंड्रॉयड ऐप भी इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये थीम बड़ा रिस्पॉन्सिव है, तो ये मोबाइल पर भी चल जाएगा।
मेरी बार कॉन्स्टेंट करते हो। अब मैं कहता हूँ जी मैंने लॉगिन का पेज देखना है, तो लॉगिन के पेज भी फुल रिस्पॉन्सिव है, वो यहाँ पे ऊपर नीचे ओपन हो रहा होगा। ये देखो ये लॉगिन का देखें, ये टेक्स्ट बॉक्सेस ऊपर गए। अगर मैं इनको थोड़ा सा विड्थ बढ़ाऊँ तो ये रिस्पॉन्सिव और ये लेफ्ट राइट हो जाएगा। चौड़ी स्क्रीन है वैसे सेट हो गया, वैसे ही रिस्पॉन्सिव थीम है। सारी चीज़ें जितने पेजेस आगे इसके हैं ना सारे बने हुए हैं। मैं शॉपिंग जब शॉपिंग करूँगा तो जब मैं कोई प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ, व्यू प्रोडक्ट्स नहीं होता जैसे ओएलएक्स पे जाते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह से व्यू प्रोडक्ट्स हो रही होंगे। ठीक है, ये कैट व्यू प्रोडक्ट्स आप इस तरह से, मैं कहता हूँ जी मैं ऐड टू कार्ट करना चाहता हूँ, ये आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, कार्ट इस तरह से आपका शो होगा। आपने किसी प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है तो वो यहाँ से आएगी सिंगल शॉप साइट पर। ये पेजेस दिखा रहा हूँ स्टैटिक, हमने तो इनको डायनामिक करना है। मैं कहता हूँ जी मुझे इसके दिखाओ इमेजेस। अच्छा वाला, मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो, कोई चीज़ मुश्किल? तो ये इस तरह का थीम है, हम ये पूरा बनाना चाह रहे हैं डायनामिक। ये तो स्टैटिक है, इसके मैंने फिक्स चीज़ें लिखी हुई हैं, हार्ड कोर नहीं है, हमें डायनामिक चाहिए। मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो? अब ये थीम डाउनलोड करना है, वो भाई ये पैसों से मिलता है डाउनलोड नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो जाए। लेकिन उसका जुगाड़ हमारे पास है, हम पाकिस्तानी हैं। आपने गूगल पे जाना है, google.com, ये बड़े बड़े डेवलपर सॉफ्टवेयर उसमें जो बैठे हैं समटाइम उनको नहीं पता होता, ऐसा ही है शायद कोई आइडिया। PHP के 12 साल से लोग लगे हुए, उन्हें नहीं पता होगा, वो पैसे दे हो सकता है दे के ले रहे हो, तो उनको नहीं पता होता या वो गलत मलत काम कर रहे होंगे, ये प्रॉपर वही बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है एसटी ट्रैक की वेबसाइट पे जाने और एसटी ट्रैक का ये आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ये आपको वेबसाइट्स जो है चोरी करने में मदद करें। इधर आ गए, इधर डाउनलोड में गए, डाउनलोड में जाके आपने एसटी ट्रैक डाउनलोड कर लेना है। विंडोज़ 8.7 के लिए ये इंस्टॉलर है। मैंने कहा जी मुझे इसकी एक्जी फाइल दे दो ना, ये इसका इंस्टॉलर आपको यहीं पर फटाफट दे देगा। ये एसटी ट्रैक हमारे पास ये PHP के भी कर देते हैं, ये भी कर वो एज इट इज उठा देता है, लेकिन अगर मैंने आईडी पास की है ना डायनेमिक जितनी पास की वो सारे पेजेस बना देगा। बड़ा तेज है वैसे इंटरनेट, ओके हो गया। मैं कहता हूँ जी इसको ओपन किया, लो जी एसटी ट्रैक का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। नेक्स्ट आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। बिल्कुल हल्का सा सॉफ्टवेयर है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। फिनिश, ये आपके सामने टेक्स्ट फाइल भी ओपन कर देगा, इसका सेटअप भी ओपन हो जाएगा। लो जी ये एसटी ट्रैक आपके सामने ओपन हो गया, सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर हमने रख लिया। अब मैं क्रोम पे वापस आता हूँ, इसको बंद कर दिया, एसटी ट्रैक हमारे पास आ चुका है। हमें ये वाला थीम चाहिए, कौन सा वाला थीम चाहिए, जॉली एनी वाला थीम चाहिए। अब यहाँ पे आप जब जाते हो ना थीम सेलेक्ट करके लाइव प्रीव्यू पे, अब जरा इनके URLs पे नज़र रखना, सही वाला URL पकड़ना है, गलत मलत पकड़ा तो वो फिर सही थीम डाउनलोड नहीं होगा। मैंने कहा लाइव प्रीव्यू ऊपर URL देखो कुछ आ रहा है, ये नहीं कॉपी करना, ये गलत है। अब ये URL फिर बदल गया, ये भी गलत है। यहाँ पे आपने इसको करना है क्लोज किया, अब इसका URL फिर बदलेगा, फिर बदला, अब ये जो URL आया ये ठीक है, इसको कॉपी कर। तीन URLs है, अगर पहला किया तब भी गलत, दूसरा किया तब भी गलत, हो सकता है ये भी गलत हो, तो आपको फिर तीनों में से पकड़ना है कौन सा ठीक है, तीनों ट्राई कर लेना। मुझे तो पता है यही ठीक है, URL पे ले जाता है। अब यहाँ पे URL कॉपी कर लिया मैंने, नेक्स्ट किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे दो OLX, प्रोजेक्ट की कैटेगरी कोई भी दे दो, शॉपिंग, ठीक है जी, यानी कि बैक, ये सारी चीज़ें देखे। नेक्स्ट यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट का जो मर्जी, उसके बाद यहाँ पे आके वेब एड्रेस आपने देना, क्या देना है, नेक्स्ट करना है कि जैसी नेक्स्ट फिनिश, जैसे आपको पैसे दे के जो रेयर फाइल उन्होंने ईमेल करनी थी ना कि डाउनलोड होनी थी, ये आपको वैसे ही करके देना। ठीक है, वो सारे की लिंक्स देखते जाओ, jollyanytheme.com HTML का फोल्डर है, उसमें jollyany का फोल्डर है, सारा कुछ डाउनलोड करके दे।
टाइम थोड़ा सा लगेगा, ये 20 MB भाई हम हमने थीम पे काम करना है ना, मेरे पास नहीं है तो मैं पैसे तो नहीं कोई भी दे रहा, ना यूनिवर्सिटी दे रही है ना मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, तो आपको फिर इस तरह ही कराऊंगा। कटो पैसे एडा, तू क्राइम कार्ड 4000 निकालो, शाबाश। $17, $1700 का है, और अगर मैं नीचे कोई और, ये देखो ये $59 का है, वर्डप्रेस का जो थीम है वो 6000 रुपए का है। हम ASP.NET कर रहे हैं, वर्डप्रेस की तो बात नहीं कर रहे। वर्डप्रेस बच्चे एक यूं कह लो एक फ्रेमवर्क है PHP का, जैसे ASP है हमारे पास, मैं ड्रैग ड्रॉप करके लास्ट टाइम बताया था लॉगिन का पेज बन जाता है, साइन अप बताया था करके पावर दिखाई थी, इसी तरह वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के अंदर आपने कोई ब्लॉग वाली वेबसाइट बनानी हो, कोई शॉपिंग कार्ट, आप उसे कोई शॉपिंग कार्ट चाहिए सारा बना बनाया आपको दे देता है पहले से, आपने सिर्फ उसे कॉन्फ़िगर करना होता है। पीछे बैकएंड पे PHP बनी चल रही होती है, DB भी बनी होती है, सारा काम हुआ होता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप पे बन जाती है, यूँ कह लो इधर से ड्रैग किया, इधर ड्रॉप किया, थीम किया, वेबसाइट किया, ऐसे बनता है। बहुत ईजी है, लेकिन PHP की कोर भी नहीं, आपको PHP के फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। आते हैं PHP के फ्रेमवर्क्स? PHP नहीं आनी, कोर नहीं आनी, फ्रेमवर्क्स उसके पड़े हैं 7-8, तो फिर यही तो बात है। फ्रेमवर्क्स आप 3-4 साल PHP में काम करो फिर आते हैं, और उसके बाद आप वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर सही कर सकते हैं। ठीक है, ये 16 MB होगा, 24 पे ये रुक जाएगा। कोई भी देख लो बुक, इंट्रोडक्शन टू C# या इंट्रोडक्शन टू ASP.NET, कोई भी बुक। C# तो मैंने आपको दी थी, सॉफ्ट कॉम सर आपने नहीं दी थी, कहा था चाहते था लेकिन दी नहीं है सर, हमारे पास वीडियो पे रिकॉर्डिंग है तो ले ली थी ना, ये आया नहीं सर, आज ले लेते हैं, फिर नहीं थी मैंने, मैं ले लूंगा। बच्चे पहले रो रहे हैं पीछे सिक्स वाले बोलते हैं हमारे सेक्शन उठा उठा फेंक दिए, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझे फॉर्म लेट बने मिले, कुछ बच्चे ऐसे थे बाकी जो 6, 17, 18 वाले थे, लेकिन 3-4 थे उन्होंने रोला डाला बाकी। मैंने तो आजम साहब को कहा है, उन्होंने मुझे कहा था स्वैपिंग नहीं कर सकते ना, मैं जब सेक्शन चेंज हो एक दफ़ा बन गए तो बन गए। आप कोई भी कर सकते हो यार, नो इशू, मेरे लिए भी कोई मसला नहीं है, ये प्यारा बना हुआ है। अदरवाइज आप यहाँ पे लिखो ना, अच्छा आप लोगों ने ये करना है, पूरी क्लास ने मिड का जो मेरा प्रोजेक्ट है ना वो पूरा ये है
ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड मिट का प्रोजेक्ट है 14-15 लेक्चर्स के बाद जो 10 नंबर का आपने मुझे देना है। आपने ये करना है यहाँ से अपनी अपनी मर्जी करना है, शॉपिंग टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, उसको आज ही जाके बैठ कर लेना और उसके अंदर फॉर्म शॉर्म बना लेना, मैं आपको बता दूंगा किस तरह बनाना है, ठीक है। हर बच्चे का अपना होना चाहिए, मैच ना हो किसी का किसी से। ठीक है, न्यू शॉपिंग सेंटर ये भी अच्छा है, न्यू शॉप आसान सर। कुछ अनाउंसमेंट करें सर, आज यहाँ से नौशी जो कल मुझे तभी सबसे याद नहीं प्रॉब्लम की आपकी भी हमारी क्लास में जो कल सर दूसरे माह की क्लास में स्टूडेंट के आंकड़े जो हैं कितने हैं, लीडर्स कौन है, टीम लीडर्स आप दोनों की डिटेल ही है सर, मैंने आपको सेंड किया व्हाट्सएप कर दिया आपने मैसेज कब की फोटो आज सुबह की आपने भी कर दी उसको भी मिल जाएगी फिर वो सारा डेटा कॉपी करके और दोबारा से मुझे मेल में आप दोनों जब सर रिपोर्ट फाइनलाइज करेंगे आप काइंडली मेरे ऑफिस में भेज दें, क्लियर हो गया, थैंक यू सर सो मच फॉर अपने मेंबर्स की डिटेल ले इंडियन ग्रुप की मैंने वो सर एक प्रॉब्लम आ रही है वो एक एमआईटी का है वो भी आ रहा था भाई का मेरी बात है दो चीजें छोड़ दिया तो उसकी आप जनता के लिए तो पड़े आप तो मेंबर्स आप तीन हो चले जाओ सर भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नो इशू ले जाए आप आ रहे जितने आप जितने भी सर यूजर ये 10 बच्चे ले लो 5 मिनट के लिए बाहर खड़ा हो जाओ आ जाए ठीक है तरीके से अभी आप से ये सारी बात आगे टूट गए सारे नंबर नहीं सर हमने किल हमने कल काम कर लिया सर बहुत काम कर रहा है सर होए 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 चार दे दे चार पीटा चार को बड़ी चॉकलेट अरे बदली कभी कभी भी कैट होगी यार सर बात करते मैंने रखी थी मैंने तो बोली गई है क्या रखी हुई है अच्छा जी ये हमारे पास थीम डाउनलोड हो गया फिनिश किया अब आगे चलो थीम है ये डाउनलोड करते हैं ये अच्छा था फूल उसका नाम भी अच्छा फूल दे भी फूल दे भी ठीक है कि आप लोगों ने कहा था थीम कर लो ये तो कर ले सर आप पढ़ा लेंगे आप ना मैं नहीं मिटते गए किसी बच्चे का नाम हेलो सी सी फोल्डर माय वेबसाइट्स OLX नाम रखा था OLX का फोल्डर jollyannythemes.com HTML का फोल्डर ये देखो ये jollyanny का पूरा थीम आ गया हमारे पास ये चेक करो
पैसे देके देखो CSS के फोल्डर में CSS है, फॉन्ट्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, ये सारा थीम हमारे पास आ गया। अब यहाँ से इस काम स्टार्ट होता है कि इसे एम्बेड कैसे करना है। आपने ये सारे फोल्डर सिलेक्ट कर लिए, कॉपी वीओ स्टूडियो में वापस आके यहाँ पे पेस्ट। अगर कोई लिंक आता आपने चेंज किया ना, ये खराब हो जाएगा। जहाँ जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना। टीम के लिंक करना, तुम कहाँ कह रहे हो, कहाँ करूँ, किसी फोल्डर में करता? वो कहता है इमेजेस का फोल्डर पहले भी है, अब भी है, क्या करूँ? मैंने कहा मर्ज कर, ठीक है, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे। रिफ्रेश नहीं करना, सिस्टम ही हैंग हुआ पड़ा, खुद ही आएगा। आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं फोल्डर में, ये फोल्डर नहीं सिलेक्ट हो रहा। अच्छा, यहाँ पे ना दो स्टाइल शीट से लैदा से पड़ी हैं, एक ये देखो, एक ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, इनको भी कॉपी किया यहाँ पे आके। तकरीबन ऐसे ही होगा, एम्बेड कर लेना फोल्डर जितने वो पेस्ट, लैदा लिंक्स जितने लगे हुए वो पेस्ट, सारे लिंक आ गए। हो सकता है उस थीम में हो, बाहर हो सकता है ना, दरअसल इसमें भी CSS का फोल्डर था लेकिन ये फाइलें उसमें नहीं है। अगर ये फाइलें मैं वहाँ रख देता हूँ तो सारे है पेजेस के ऊपर लिंक्स बदल जाएंगे, वो फिर दोबारा ड्रैग ड्रॉप करने पड़ेंगे, वो नहीं करना। क्यों जी, समझ आती है? आगे वापस चलते हैं। यहाँ पे आप कोई इंडेक्स का पेज होगा, इंडेक्स का पेज आप सिलेक्ट कर लो अपने मास्टर पेज के लिए। इंडेक्स के पेज से मैं हेडर फुटर नेविगेशन उठाऊंगा और अपना मास्टर पेज तैयार करूंगा। इस इंडेक्स के पेज पे राइट क्लिक किया, कहा जी ओपन विद वीओ स्टूडियो, वेल ये यहाँ ओपन हो जाएगा इंडेक्स का पेज। ये कॉपी नहीं करना, ओपन हो गया, कॉपी करते हैं अभी, हो गया ओपन, ये पेज ओपन हो गया। अब ये सारा HTML का कोड लिखा हुआ है, ये ठीक है, इसको देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना, कर लेते हैं। उसमें क्या आ रहा है, कहाँ पे वो, कोई ऐसा मसला नहीं, आप ये हटा दो, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। ये इतने कमेंट्स होंगे, ये पकड़ा जाता है यहाँ से, आपने ये ख़त्म कर देना, हो सकता है जावास्क्रिप्ट का कोई एक आधा फंक्शन भी इन्होंने लिखा हो। अच्छा, ये ऑनलाइन खुलावा था, ये लिंक बंद कर देते हैं। डाउनलोड करना आ गया थी, बल्कि आज इंटरनेट था तो मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखा दिया। अब आपने बनाना है मास्टर पेज, क्या बनाना है, इस इंडेक्स के पेज को क्रोम के साथ ओपन भी कर लो। ये जो थीम डाउनलोड हुआ है देखो क्या सही हुआ है, अगर सही डाउनलोड ना हुआ तो ये पेज इंडेक्स का सही ओपन नहीं होगा, अगर सही डाउनलोड ना हुआ हो। दाना खास मेरा तो ख्याल है आउटस्टैंडिंग किस्म का हुआ है डाउनलोड, सही है, ठीक है। अब आपने ये काम करना है कि अब आपने बनाना है एक अदद मास्टर पेज, राइट क्लिक किया, एड न्यू आइटम, सबसे पहला काम ही है, काम यहाँ से स्टार्ट होता है मास्टर पेज से। यारी ऑप्शन मास्टर पेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरी वेबसाइट पे थीम एक रखना है, इनहेरिटेंस करनी है, रीयूजेबिलिटी करनी है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ माय थीम कस्टम हेड। मास्टर पेज की एक्सटेंशन क्या आ रही है, डॉट है वेब फॉर्म, और ये डायरेक्टली ब्राउजर में व्यू नहीं होता, ये भी चीज़ इसके बारे में याद रखना। अब इंडेक्स के पेज पे आए, इंडेक्स के पेज के अंदर हेड में जितना कोड है सारा कॉपी करो, हेड में जो लिखे हुए थे रेफरेंसेस थे, टाइटल रेफरेंसेस थे CSS वगैरह के, वो मैंने कॉपी किए। मास्टर पेज पे आए, टाइटल और कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ पर ख़त्म किया, इसके हेड में पेस्ट कर दिया। इंडेक्स डॉट HTML के पेज पे वापस आए,
बॉडी के अंदर जितना कोड है कॉपी कर लो। बहुत बंद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये जितना कोड था कॉपी किया कंट्रोल सी, माय थीम डॉट मास्टर पे है, यहाँ पे इधर आके ये फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म वन रेड आ रहा नेट सर्वर, इसके अंदर एक डिव है और एक अंदर कंटेंट पेस्ट ऑर्डर है, ये खत्म किया। फॉर्म के बाहर आ ही कुछ नहीं सकता, ये फॉर्म इसका है, ठीक है। और एक ही फॉर्म लगता है यहाँ पे, एक ही फॉर्म होगा और पूरी वेबसाइट फॉर्म के अंदर बनेगी, अगर फॉर्म के बाहर कुछ लिखा तो वो नहीं चलेगा। तो इसके अंदर बन गई, वो HTML और फॉर्म का टैग यूज नहीं होगा, इसके अपने टैग होंगे। ASP है ना, वो और चीज़ है, समझ गए हूँ। वो फॉर्म यहाँ पे अगर होगा ना, तुम्हारा पेज पोस्ट पे नहीं होगा, हमारा पेज चलेगा ही नहीं, एरर देगा कि एक पेज पे एक ही फॉर्म का टैग लग सकता है। कंट्रोल भी, वो जितना कोड कॉपी किया था वो सारा आके इसमें क्या कर दिया। अब एक पेज बना के देखो यूजिंग मास्टर पेज, क्या देखो ये सही एम्बेड हुआ है कि नहीं हुआ। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, मैंने कहा जी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, मैं थीम कस्टम से इनहेरिट करवाया, ये आ गया वेब फॉर्म 5। अब इसको ब्राउजर में चलाऊँ तो इसको एज इट इज़ ऐसा ओपन होना चाहिए जैसा, यस जैसा मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब ये HTML से आ गया किस में, किस एक्सटेंशन में आ गया, ASPX डायनेमिक हो गया। नहीं, गूगल में आपको एक पेज इनहेरिट करवा के फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल नेस्टेड मास्टर पेजेस भी होते हैं, बताता हूँ वो भी, अभी कहानियाँ हैं। बताओ नो एरर आ गए जी, एरर आ गए सर, वो तो मैं यहाँ से हेड का टैग डबल हो गया। ना 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 ना, अभी हेड का टैग डबल हो गया, सवाल ही पैदा नहीं होता हेड का टैग डबल हो और ये एरर दे, बनता ही नहीं है। एरर कुछ और है, वार्निंग को ख़त्म किया, ये एक्सपेक्टेड का एरर है। मैंने इसमें डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ना HTML का एक लगाया था, CSS बिल्ड इन थी, एक यहाँ पे ना HTML का लिंक लगा हुआ जिसके नाम में स्विचर डैश CSS आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आईडी आप ऐसे नहीं रख सकते किसी कंट्रोल की जिसके नाम में डैश आए, क्योंकि ASP इसको सपोर्ट, ये डैश ख़त्म करनी है। डैश ख़त्म की, अब आपने डैश ख़त्म की तो एरर चले गए। अब वेब फॉर्म चलाऊँगी विंडो ब्राउजर तो चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है ना चले, एरर दे सकता है, देगा बल्कि विंडो ब्राउजर। अब देखते हैं आपके एरर देता है, ये एरर भी देख लो रिसॉल्व कैसे करना है, ये आते हैं अक्सर। लोकल होस्ट पे चल रहा है फ्रॉम 5.ASPX, इतना तेज इसलिए कि नेट लगा हुआ है। जैसे ही उतारा है वैसे ही लोड हो गया, थोड़ा सा ना इसका सिस्टम भी हैंग हुआ है, फंस गया है, प्रोसेसिंग ना 100% पे पहुंची गई। ये ना इसकी परफॉर्मेंस 100, ये देखो CPU यूसेज, ये मेमोरी कहाँ तक पहुंची गई, 2GB रैम है। यार ये तो IDM को तो सही कर लो, वक्रा ही मैसेज नहीं जा रहा। अब फटाफट चला, कहता है जी पार्सर पार्सर एरर, क्या रोल है अब मास्टर पेज में रोल है, यहाँ पे आए कंट्रोल F कंट्रोल V
ये आ गया स्विचर डैश सी एस एस पे, यहाँ पे एक स्टाइल शीट थी जिसके नाम में क्या था डैश, खत्म करो। अभी ये एरर दे रहा था, अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये चल पड़ेगा। वो क्या कहते हैं स्विचर डैश सी एस एस नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, कहीं पे भी आप डैश नहीं लिख सकते। ओपन हो गया वेब फॉर्म फाइल। एज इट इज इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल आसान था काम अब जी नहीं, प्रोजेक्टर लगा हुआ इस वजह से कंट्रोल माइनस करता हूँ तो देखना सेट होता है। चेक करो कहाँ हिला हुआ, सही है। अब मैं इसको अगर छोटा करूँगा तो फिर ये हिलेगा, ये देखो ऐसा ही है। किसका नहीं समझ आएगी, तो नहीं होना चाहिए ऐसे, तो खुद कर लें, ठीक है। अब देख रहा हूँ हाँ तुमने खुद कर लिया, ठीक हो गया। ये पेज हमारा रेडी हो गया। अब करना ये है कि स्लाइडर से लेके, यानी कि मैं इनके चारों मास्टर पेज में मेरे पर नेविगेशन रहे, स्लाइडर रहे, स्लाइडर से लेके फुटर तक जितना कॉन्टेंट है खत्म हो जाए। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये डिव देखो कौन सी, ये वाली डिव देखो, ये जो ये सेपरेशन है ना कौन सी डिव है, वाइट रैपर, कौन सी डिव है वाइट रैपर से लेके कहाँ तक कौन काम खत्म करना है। ये फुटर वाली डिव देखते हैं इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है फुटर स्टाइल वन, यानी कि वाइट रैपर से लेके फुटर स्टाइल वन तक कोड खत्म कर देना। मास्टर पेज पे डब्ल्यू एच आई टी मिल गया वाइट रैपर, वाइट रैपर से लेके फुटर स्टाइल वन तक, ये रहा फुटर स्टाइल वन, ठीक है। यहाँ तक जितना कोड था वो सारा क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे कंटेंट की जगह पे अब मैं क्या लगाऊंगा, यस वहाँ पे मैंने गलत जगह पे शायद चला गया, कंट्रोल जी, यहाँ पे फुटर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, कंटेंट प्लेस, कंटेंट प्लेस होल्डर लगा दिया। अब मेरा मास्टर पेज फिट तैयार हुआ। अब एक पेज बना के देखते हैं यूजिंग मास्टर पेज। अभी ये भी ज़रूरत पड़ी जी ऐड कैटेगरी का पेज बनाने, एड न्यू आइटम वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज माई कस्टम डॉट थीम डॉट मास्टर से इनहेरिट करवाया। अब ये कॉन्टेंट प्लेस होल्डर लगा हुआ ना, अब इसके अंदर आपने काम करना। यहाँ पे मैं इसके अंदर टैग लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जी सेंटर का एक अदद टैग लगाया, उसके अंदर एक अदद बनाया टेबल, एक अदद मैंने लगाई रो, एक अदद लगाया कॉलम, एक अदद मैंने लगाया कॉलम। ठीक हो गया इसके डिज़ाइन व्यू में। अब मैं ना हेडर छेड़ सकता हूँ, ना फुटर, ना कुछ, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ कंटेंट वाली पोर्शन वाली जगह इनेबल होगी जहाँ पे मैंने काम करना है, क्योंकि हर पेज पे हेडर फुटर नेविगेशन सेम, कंटेंट फ़र्क फ़र्क होगा। ये क्रॉस का साइन बना हुआ है कि यहाँ नहीं आप छेड़ सकते। यहाँ पे आके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का लेट्स सपोज एक फॉर्म बना लेते हैं, मैंने कहा जी फुल नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल, जेंडर, सिटी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। आगे आपने लगाने हैं कंट्रोल्स, ठीक है। आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ड्रैग, लेकिन वहाँ पे हम सोर्स कोड देख नहीं सकते थे, यहाँ पीछे HTML का कोड जनरेट कर रहा है, ASP का ना कोड लिख रहा है साथ साथ, आप इसमें भी काम कर सकते हो। अगर आपको डिज़ाइनर में प्रॉब्लम है, मज़ा नहीं आ रहा, आप यहाँ से कर लो। लेट्स सपोज मैंने लगानी ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ड्रैग की सिटी के आगे अगली TD में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दी,
चाहे सोर्स में कर लो चाहे डिजाइनिंग में कर लो, बनना वही काम है, इशू ही कोई नहीं है, काम वैसा ही होना है। एड्रेस के लिए आपने लगाना है टेक्स्ट बॉक्स जी, कोई हुक्म इधर तो देखो, बताता हूँ बूटस्ट्रैप लगनी है अभी। इधर इधर देखो, एक अदद आपने लगाया बटन, ठीक हो गया, कोई चीज़ मुश्किल। जी जेंडर के लिए आके अपनी एडिट आइटम्स, आप दो आइटम्स ऐड कर लो, मेल ओके हो गया। सोर्स कोड में आओ, ये ऊपर नीचे आ रहा है मेल फीमेल। मैं कहता हूँ जी रिपीट डायरेक्शन इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल, ये चेक सारों का आएगा, ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन हुई, ये रिपीट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जैसे आपका दिल है। हाँ यहाँ पे आए, यहाँ पे तो डेटाबेस से भी सिटी दिखा सकता हूँ, डीबी बनी हुई है ऐसी जिसमें कोई सिटी का टेबल हो। चूज डाटा सोर्स, मैं डेटाबेस से सिटी ले आता हूँ। न्यू डाटा सोर्स एसक्यूएल डाटा सोर्स, आप ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड की डीबी बना के लाना अगली क्लास में, सारे अपनी अपनी थीम के मुताबिक ले आओ। डेटाबेस और स्टोर प्रोसीजर्स, सिर्फ अपडेट और डिलीट किधर से सिटीज कहाँ से, शॉपिंग कार्ड के लिए बनाना है, कैटेगरीज ब्रांड्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स कस्टमर्स एम्प्लॉइज। ये वैसे ये इसकी लॉजिक भी अच्छी, बड़ी अच्छी डीवी बनती है थीम को देखे ना। हाँ दोनों अप्रोचेज है, बॉटम अप टॉप टॉप डाउन। बॉटम अप में यह है कि अगर डीवी पहले बनाइए तो फिर मैं काम फ्रंट एंड पे वैसा करूँगा जैसी डीवी है, अगर फ्रंट एंड को देख के बनाइए तो फिर काम डीवी वैसे बनाएंगे जैसा फ्रंट एंड। अच्छा जी हमारे पास यहाँ पे कौन सी बनी हुई है, एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम, ओके किया। साइलेंस, क्या बातें हो रही हैं खुसर खुसर। ठीक है जी मैं कहता हूँ सिटी आईडी भी सिलेक्ट कर लो, मैं कहता हूँ फ्रंट एंड पे सिटी नहीं है बैक एंड पे सिटी आईडी, ओके हो गया। कंट्रोल एस, आप कहाँ से करना है। अच्छा ये सिटीज अब आपके डीबी से आने शुरू हो गए, कोई चीज़ मुश्किल। अब इस फॉर्म को बटन का टेक्स्ट चेंज कर दूँ कि कर लोगे, चलो यहाँ पे सबमिट कर। अच्छा अब इस पेज को किया व्यू इन ब्राउज़र, मैं जल्दी से मुद्दे पे आता हूँ। राइट क्लिक किया व्यू इन ब्राउज़र, आप देखो जरा फॉर्म कैसा ओपन होगा, वेब फॉर्म 6 है। रीनेम कर लिया करना, ऐड एम्प्लॉई ऐड फलाना रजिस्टर्ड एम्प्लॉई जैसे नहीं करे, वेब फॉर्म 6 ओपन होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये देखो ठीक है, फॉर्म सही बना है, अच्छा बना नजर आ रहा है, ओके हो गया। दूसरा क्या थीम
आप बूटस्ट्रैप में कैसे बनाएंगे? आप इधर देखो, बटन देखा है सबमिट का, इंतहाई फारग किस्म का आ रहा है, इंतहाई फारग है। यहाँ पे आए फीचर्स में जाके आपने कहा जी बटन, बटन्स में क्या जैसा बटन कहते हो यहाँ वैसा कर देते हैं। BTN डिफॉल्ट, BTN प्राइमरी, BTN सक्सेस, BTN इन्फो, BTN वार्निंग, BTN डेंजर, जो बूटस्ट्रैप की क्लास लगाओगे वैसा हो जाएगा। मैं इसको BTN प्राइमरी देता हूँ, मैं बट प्राइमरी इसको करना चाह रहा हूँ। मुझे याद है BTN बूटस्ट्रैप की क्लास क्या है। बटन की प्रॉपर्टीज में गई, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है CSS क्लास, मैंने कहा जी BTN डैश प्राइमरी, ये बूटस्ट्रैप का प्राइमरी कंट्रोल एस बूटस्ट्रैप प्राइमरी। हाँ ठीक है, फुल नेम पे गए, जैसा आप खुद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, अब ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं ना रिस्पॉन्सिव करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप लिखेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, तो ये जिसने काम किया है उसको आईडी है, ठीक है। अब आप लेट सपोज मैं जी कैसे पता लगा फॉर्म कंट्रोल, या इसने तो बोल दिया सिकंदर ने, इसने काम किया हुआ था, आपको कैसे पता लगेगा? आप यहाँ पे आ जाओ फॉर्म एलिमेंट्स पे, फॉर्म एलिमेंट्स पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करो, मैं ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाह रहा हूँ जैसा कि ईमेल वाला, राइट क्लिक किया इंस्पेक्ट एलिमेंट, देखो इस पे बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास इसने अप्लाई की है। अच्छा बूटस्ट्रैप, अभी मेरा फॉर्म साथ खुला हुआ है, ये देखो मेरा टेक्स्ट बॉक्स कैसा आ रहा है, देखें ब्लू उसके साथ। अगर मैं इससे ये यहाँ पे जाके फॉर्म कंट्रोल हटाऊँ तो ये देखो इसने भी ऐसा ही हो जाना है, तो बूटस्ट्रैप की वजह से ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है सारा काम। तो बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, क्या है बूटस्ट्रैप, व्हाट इज बूटस्ट्रैप? मैं चित्रोल करूँ बूटस्ट्रैप, असल क्या बताओगे व्हाट इज बूटस्ट्रैप, किस चीज का? मैं चित्रोल करूँ HTML का, CSS का, CSS की बनी बनाई क्लास लाइब्रेरी को हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप कहते हैं। इसीलिए बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस थी ना उसकी एक्सटेंशन CSS ही थी। एक और भी चीज़ है इसमें, आप देख सकते हो कि भाई ये क्लास कहाँ से आई है, मैंने इस पर लगाया ना फॉर्म कंट्रोल, सोर्स कोड में आओ, ये लिखा हुआ CSS क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, ये आपको लेके जाएगा, ये ले आया, ऊपर क्या लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप डॉट। अगर बूटस्ट्रैप कोई लहदा चीज़ होती है जिसकी एक्सटेंशन चेंज होती है, इसकी एक्सटेंशन क्या है? तो है CSS, लेकिन उसमें फॉर्म कंट्रोल की ये चीज़ें पहले से लिखी पड़ी हैं। ये आप जहाँ जहाँ फॉर्म कंट्रोल दोगे ये शशका लग जाएगा, ये है बूटस्ट्रैप। करो सौ बिस्मिल्लाह चेंजेस करो, पूरे थीम पे बदल जाएगा। और नीचे कॉपी पेस्ट करके नेम क्लास बना, ऐसे करो, ठीक है। jQuery क्या चीज है, किसकी? जावास्क्रिप्ट के इसी तरह ही बने बनाए शशकों को jQuery कहते हैं, अंडरस्टैंड? तो ये काम हो गया। आप ये देखो, एक और चीज देखो, मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किए, एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा इधर देखो, एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दोनों पे जाके मैं लिखता हूँ FORM फॉर्म डैश कंट्रोल कंट्रोल एस, सारे बदल गए, सारों पे बूटस्ट्रैप लग गए, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउजर। आप देखते हैं अब कैसा बना हमारा फॉर्म, एडी मेहनत की थी ये, पहले ये चीज़ थी, पहले ये चीज़ थी और आप देखते हैं क्या है, पहले ये चीज़ थी, अब नया फॉर्म लोड हो रहा है। चेक किया लेकिन अभी सही नहीं आया, कुछ गलती है मेरे ख्याल से, बटन सही नहीं आया, कोई गलती है। ओके, बटन की ना हाइट विड्थ कम दी हुई थी, कंट्रोल एस, BTN हाँ ये देखो अब ठीक है बटन, और आप ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्सेस येलो हो गए, रिस्पॉन्सिव भी हो गए। मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो, ये बूटस्ट्रैप लग गई इस पर, रोला ही कोई नहीं है। ये सिटीज़ DB से आ रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये DB से आ रहे हैं, ये आपका जेंडर चल रहा है, रेडियो बटन लिस्ट लगाइए, एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगा, कोई चीज़ मुश्किल। और इस सबमिट के बटन के पीछे मैंने इस पर डबल क्लिक किया, बटन बन के क्लिक का इवेंट बन गया, सेम वो कोडिंग है जो डेस्कटॉप पे की, फर्क ही कोई नहीं, ठीक है। कुछ अरसे तक आपको जब ये काम करा दूंगा बताऊंगा कि डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को वेब पे कन्वर्ट कैसे करें। सर इधर इन्वर्ट कैसे चलाएंगे, वो तो हमने उधर से किया, किस तरह? डॉट सीएल कॉल करके dbobj.add
जाहिर सी बात है लेयर्स बनेंगी बी एस एल डायल रेफरेंसिंग वैसे ही स्टेप्स यहाँ से वैसे ही हैं सिर्फ फ़र्क हमारी फ्रंट एंड वाली लेयर में है जो मैटर ही नहीं करती ये तो मैटर ही नहीं करती ये फॉर्म हो ये ड्रॉइड की लेआउट हो ये फ्रंट एंड पे टेक्स्ट बॉक्स हो ये वेब हो कुछ भी हो डाटा लेना है वो आ रहा है बैक एंड पे सीधा काम सीधा सीधा ये फ़ायदा है इसमें कोई भी एप्लीकेशन बनाओ काम एक जैसे पहले डेस्कटॉप देखिए अब वेब देख लें लेकिन इसमें वेब की बहुत सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे आएंगी जो डेस्कटॉप पे हमने नहीं देखी ये उससे डबल हैवी कोर्स है ईटी तो बहुत हल्का कोर्स है कि उससे डबल हैवी ईटी बहुत हल्का कोर्स है उसमें सी शार्प में 12-13 लेक्चर गए फ्रंट एंड पे गए कनेक्टिविटी पे सीखने पे गए वहाँ तो सारी लर्निंग थी यहाँ पे असल काम पता लगता है कि भाई कैसे करें कोई चीज़ मुश्किल अच्छा जैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बटन रेड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे BTN डेंजर BTN इन्फो जो करोगे वैसा हो जाएगा मसला ही कोई नहीं है तो आपके पास बूटस्ट्रैप है वहाँ से देखते जाओ बनाते जाओ अल्लाह अल्लाह खैर सलाह बोला मैं स्टैटिक थीम मैंने ये रहा इंडेक्स का पेज मैंने ओपन कर लिया है आप यहाँ पे जाओ जो आपको पसंद है वैसा करो जैसा दिल है वैसा करो ये मैंने ऐड दिया डायनामिक कर देनी है पूरी फुल फ्लैज ये जो चल रही है लॉगिन का पेज बन जाएगा आपका आपका ये ऐड टू कार्ट का पेज बन जाएगा आपका ये सारे ईच एंड एवरीथिंग ये जितनी चीज़ें ना ये सारी डायनामिक हो स्टैटिक इस थीम में कुछ नहीं होगा तो इतनी की लर्निंग होगी कि आपकी सोच से पहले CMS भी करा दूंगा मसले कोई नहीं CMS तो बच्चों वाली गेम है उसके लिए एडमिन पैनल बनाने में ज़रा रोले आते हैं वैसे CMS यहाँ पे दिखाना तो रोला ही नहीं है ये जिस ये कह रहा हो ना ये DP से आ रहा हूँ वो मसले ही नहीं वो करा दूँगा वो बच्चे वो भी करवा दूँगा वो मसला ही कोई ठीक है इतना बहुत है अच्छा फॉर्म बना लेना ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट की DB नेट पे जाके लिखना ऑनलाइन शॉपिंग DB इमेजेस में जाओगे ना इमेज आ रहा होगा तो छोटी 7-8 टेबल होंगे वो बना लेना आपके पास कैटेगरी का टेबल ब्रांड का टेबल प्रोडक्ट का टेबल कस्टमर का टेबल ऑर्डर का टेबल कमेंट्स का टेबल कुछ 6-7 टेबल होने चाहिए सिटी का टेबल 8-9 टेबल होने चाहिए वो आप बना लेना और रिलेशनशिप्स वन कैटेगरी कैन हैव मैनी ब्रांड्स वन ब्रांड कैन हैव मैनी प्रोडक्ट्स इस तरह से वो आपने रिलेशनशिप बना के अच्छी सी एक DB आपने रेडी कर लेना नेक्स्ट का क्लास से इंशाल्लाह मैंने पहले पता है मैं थीम नहीं था करवाता होता